नाम है नगीना दीन मोहम्मद और ये पूरी एक कैंपेन है जिसका नाम है रंग दे कराची। मैं अफगानिस्तान से हूँ। देखिए, मैं इतने सालों से कराची में रह रही हूँ, तो जाहिर है एज अ रेजिडेंट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ना तो सिर्फ अपने घर को साफ रखूं बल्कि अपने सराउंडिंग को भी साफ रखूं। ये इनिशिएटिव जो था रंग दे कराची का, हमने लास्ट नवंबर में लिया। अगर आप कराची की दीवारों को देखेंगे तो यहाँ पे बाबा बंगाली लिखा हुआ है, डॉक्टर सुल्तान हो गए, ऐसी बेशुमार वॉल चौकिंग हुई है कराची के अंदर जो कि कराची की खूबसूरती को ख़राब करती है। हमने इनिशिएटिव लिया ताकि हम लोग कराची को खूबसूरत बना सकें। अगर कोई कराची के बाहर से आता है, दूसरे शहर से आता है, दूसरे मुल्क से आता है, तो उसको एक कराची खूबसूरत शहर लग सके। अभी तक हम लोग 16 प्रोजेक्ट कर चुके हैं और ये हमारा 70th प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हमने स्टार्ट लिया था बोर्ड बेसन से, फिर हमने क्लिफ्टन में करा, फिर उसके बाद हमने नाजमाबाद में करा, FB एरिया में किया, आयशा मंजिल पर किया, पुलिस गार्डन पर किया, हब में किया, बेशुमार लोकेशन थे कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में हमने करते हुए। बेसिकली ये जो अभी एक्टिविटी चल रही है ये क्रीसेंट आर्ट की कोलेब्रेशन में हो रही है, जो इसके अखराज हैं क्रीसेंट आर्ट गैलरी उसको स्पॉन्सर कर रही है। मेरा नाम है नगीना दीन मोहम्मद और ये पूरी एक कैंपेन है जिसका नाम है रंग दे कराची। और आज का हमारा थीम है ये नर्स अभी तक पूरा बना नहीं है, बस हमने ये लोगो बनाया है, स्लोगन के टफ सिचुएशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल। और ये थोड़ा सा कोविड जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड है। मेरा नाम महाजमाल है, मैं अफगानिस्तान से हूँ। देखिए, मैं इतने सालों से कराची में रह रही हूँ, तो जाहिर है एज अ रेजिडेंट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ना तो सिर्फ अपने घर को साफ रखूँ बल्कि अपने सराउंडिंग को भी साफ रखूँ। तो अगर कोई थूक के या कोई ख़राब करके चला जाए या कोई पोस्टर लगा के चला जाए तो जाहिर है बुरा लगेगा, क्योंकि हमने इतने दिन की मेहनत की है और इसके ज़रिए हम कोई मैसेज ही दे रहे हैं लोगों को कि हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए। और इस तरह से अगर वो लोग थूक के जाते तो जाहिर है बुरा तो लगेगा। ये हमारे साथ हो चुका है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पोस्टर लगाए हमारी वॉल के ऊपर, लेकिन विद इन 12 आवर्स उन्होंने हटाई भी क्या है जब हमने सोशल मीडिया पे इशू क्रिएट किया, क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको पता है कि चीज़ को कैसे खूबसूरत रखना है, लेकिन जो लो लेवल के उनके नीचे कारकुन हैं उनको नहीं पता कि हमारे शहर को कैसे खूबसूरत रखना है। मैं आम से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग देखते हैं कि कहीं पर दीवारें साफ़ हुई हुई हैं इस तरीके से, खूबसूरत बनी हुई है, अगर उनको कोई गंदा कर रहा है तो आप उनको रोकें। कोई कचरा फेंक रहा है आपके इलाके में, मोहल्ले में, आप उनको रोकें, डस्टबिन में फेंकें, जो डेजिग्नेटेड जगह है वहाँ पर फेंकें। कोई पान की पीक वगैरह फेंक रहा है तो तरीके से एक जगह जाके गटर में फेंक दें। कराची हो गंदा ना।